क्या कथित रैपिस्ट उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह करेंगे G20 मीट में प्रदेश का प्रतिनिधित्व? प्रदेश सरकार को तथा कथित रैपिस्ट मंत्री कहने वाले महिला से पूछताछ कर मामले के तह तक जाना चाहिए। क्या नरोत्तम मिश्रा करेंगे अपने साथी तत्ती गांव पर कार्यवाही? बाहुबली मंत्री समर्थकों ने होटल में क्यों की तोड़फोड़? कहते हैं व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब कभी न कभी देना ही पड़ता है। यह बात बदनावर से विधायक और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को चरितार्थ करती है। कोई 2.5 वर्ष पहले यह कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ करते थे, पर जब गद्दारी करके सरकार गिराई गई तो इन्होंने मंत्री पद की चाहत में गद्दार बनना स्वीकारा। ऐसे में इनका चरित्र का पहला अध्याय समझ आता है। अब दूसरे अध्याय में अनजाने में उद्योग मंत्री विवादों में फंस गए हैं। दरअसल 7 दिसंबर 2022 को एक युवती धार जिले के बदनावर की प्राचीश्री रिजॉर्ट में एक नेता के लड़के के साथ प्राचीश्री रिजॉर्ट में रुकी थी। आईडी मांगने का लेकर होटल स्टाफ से युवती की बहस हो गई थी। युवती ने मंत्री दत्ती गांव को रैपिस्ट तक कह दिया था, साथ ही कहा था कि मंत्री आकर उसके पैर छुएंगे। इस पूरे विवाद का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि युवती होटल स्टाफ को अपने मोबाइल में कुछ दिखाती है। उसके बाद स्टाफ बैकफुट पर आ जाता है और युवती से नरमी से पेश आने लगता है। जैसा कि कथित वीडियो अनुसार, जब युवती से होटल कर्मचारी ने एंट्री करने को बोला तो उसने जवाब दिया, राजवर्धन कहाँ है? आगे और बोला कि राजवर्धन आएंगे तो मुझे बात करना है, और होटल किसका है? उस समय तो आईडी नहीं पूछी, आप ऑनर को बुलाइए। इनके इस वार्तालाप से लगता है कि पूर्व में भी यह युवती इस रिजॉर्ट में रुक चुकी है, और तब कोई आईडी या एंट्री नहीं कराई गई, और तब इस युवती की भेंट रिजॉर्ट में राजवर्धन से हुई होगी। इसके बाद होटल स्टाफ ने पुनः एंट्री को बोला तो युवती बिफर कर बोली, राजवर्धन अभी रोएगा। जब इस भाषा पर होटल कर्मचारी ने एतराज किया तो युवती बोली कि मंत्री होगा आपका, इस बार नहीं वोट दे पाएंगे, इस बार टिकट भी नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। जब होटल कर्मचारी ने कहा कि बदनावर के सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे राजा साहब हैं वो, तब युवती ने बड़ी चौंकाने वाली बात बोली कि एक नंबर का रैपिस्ट है वो। अब सवाल ये उठता है कि ये युवती कौन है जिसने प्रदेश के उद्योग मंत्री पर संगीन आरोप लगाए हैं। वीडियो से लगता है कि मंत्री और युवती पूर्व परिचित हैं। खैर, पूर्व में इस रिजॉर्ट में जो भी हुआ हो, उस युवती और राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का निजी मामला है और इसे तुल नहीं देना चाहिए। पर अनजाने में युवती द्वारा मंत्री को रैपिस्ट कहने का क्या तात्पर्य है, इसकी जांच जरूरी है। आखिर एक नंबर का रैपिस्ट का क्या मतलब है और इसका शिकार कौन कौन हुआ है, यह जांच बेहद जरूरी है। वैसे भी प्रदेश के गृह मंत्री इन सब मामलों में बड़े एक्टिव रहते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री यूं तो हीरोइनों के कपड़े तक देख लेते हैं, विपक्षी दल के ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हैं। उनको सामने आकर इस मामले में भी जांच करनी चाहिए। इसके साथ जो भी मामले में दोषी हों, चाहे मंत्री राजवर्धन सिंह, दत्ती गांव, युवती या जिन्होंने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ में पूरी प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए। यहां सवाल उठता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा अपने साथी मंत्री दत्ती गांव पर कार्रवाई करेंगे? उन्हें लोगों की तरह मंत्री के घर पर बुलडोजर चलवा पाएंगे? वहीं ऐसे में अगर युवती कोई अनर्गल आरोप लगा रही है तो उस पर भी पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए। पर बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अनजाने में यह वीडियो बाहर आया तो प्राचीश्री रिजॉर्ट और उनके मालिक पर एकाएक कार्रवाई क्यों होने लगी? ग्वालियर से विजय पाठक की खास रिपोर्ट। ये है आपके राजा साहब, ये है, ये है, ये है, देख रहे मैं कौन हूँ, ये है आपके राजा साहब। ये वीडियो बिल्कुल गलत है। इस वीडियो का मुझसे और राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जी से कोई लेना देना नहीं है। वह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत ही सम्मान करती हूँ। गृह मंत्री जी कहता हूँ, तत्काल आप बहुत मुकदमे करा रहे हैं, उस महिला के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे? जब उसने पहले बयान दिया, उसको बदनाम कर दिया, उसके बाद पड़ गई क्या? जो करेगा उसके खिलाफ हम मानहानि करेंगे।